हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिंकू कुमारी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेक चैनल। ये चैनल आप ही के लिए है और 11, 12 के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 11 और 12 दोनों का सिलेबस, पूरा कंप्लीट सिलेबस का आपको वीडियो इसमें मैं डाल रही हूँ धीरे धीरे करके। तो अभी मैं 12 का 3 चैप्टर का वीडियो इसमें डाला है, इसके बाद फिर 11th का मैं डालूँगी। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट, पिछले क्लास में आपको बताए थे इम्परफेक्शन इन सॉलिड, और इम्परफेक्शन इन सॉलिड को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है, ये तीनों आपका आता है किसमें, पॉइंट डिफेक्ट में। मैंने एक्सप्लेन किया था पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा कि कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग और कैसे इम्परफेक्शन इन सॉलिड जो है वो कैसे क्रिएट होता है और फिर कैसे उसको ठीक किया जाता है, उसके उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके कारण सॉलिड में इम्परफेक्शन आता है। ठीक है, तो ये सारा आपको इस लिंक पे मिल जाएगा, यूनिट सेल वगैरह का भी मैंने वीडियो डाला है, उस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो आज जो है, आज मैं बताऊंगी इम्परफेक्शन इन सॉलिड का सेकेंड पार्ट। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था, जिसमें आपको बताया था स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है, पॉइंट डिफेक्ट, उसमें 4 उस पार्ट में उसमें डिवाइड करते हैं उसको, और वो चारों पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग आ जाएंगे नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट, कि इसमें क्या होता है, नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसे अराइज होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो आज का क्लास हम लोग शुरू कर लें, इसके पहले हम लोग जान लें कि स्टैकियोमेट्रिक, तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि किस कंपाउंड को कहते हैं, ऐसा कंपाउंड जिसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एटम्स शो हो रहे हैं सेम वही उन एटम का रेशियो रहता है जो नेचर में प्रेजेंट है आपके कंपाउंड, उसको स्टैकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग आज नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका फॉर्मूला में शो हो रहा है एग्जैक्टली वो रेशियो नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो एक्चुअली नेचर में जो कंपाउंड प्रेजेंट है, तो वैसे कंपाउंड को नॉन स्टैकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल FeO है ना, FeO, तो रेशियो यहाँ पे क्या दिख रहा है फॉर्मूला से, 1:1, लेकिन एक्चुअली में 1:1 नहीं होता है, Fe जो है कंप्लीट 1 नहीं होता है, थोड़ा कम होता है उससे, 0.95 या 0.93 के आसपास होता है। तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है जिसमें कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ और शो कर रहा है रेशियो और एग्जैक्टली कुछ और रेशियो है, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं नॉन स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड। अब इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स होता है ये सब आज का क्लास देखिए। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, इसमें नॉन स्टैकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, मैंने बताया था कि 2 तरह का डिफेक्ट होता है, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। आपको पॉइंट डिफेक्ट जो है वो पूरा कंप्लीट पढ़ना है, लाइन डिफेक्ट आपको पढ़ना नहीं है। मैंने फिर भी उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था कि होता कैसे है, क्यों अराइज होता है। तो नॉन स्टैकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि नॉन स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड किसको कहते हैं। तो मैंने अभी जस्ट बताया डिफिनीशन, आप देख लीजिए, कंपाउंड्स इन विच द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिफर्स फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड बाय आइडियल केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया, यानी जो कंपाउंड में जो रेशियो दिखता है हमको वो आइडियल जो सा केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है, तो उस तरह के कंपाउंड को सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने FeO, ये फॉर्मूला जब लिखते हैं तो FeO ही लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका 1:1 का रेशियो FeO जो है, तो इसको देख के क्या लग रहा है कि 1:1 के रेशियो में आयरन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअली जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है ये Fe, या तो 0.93 होता है और या तो 0.95 के रेशियो में
प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। इसको अगर आप नज़दीक से देखना चाह रहे हैं तो इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने अभी जो बताया ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट है उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने क्लासिफिकेशन पिछले क्लास में बता दिया था आपको, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो इम्परफेक्शन इन सॉलिड पार्ट वन आप डालेंगे केमिस्ट्री टेक बाय रिंकू कुमारी, तो आपका सारा वीडियो जो है उस पर आ जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे इसका कौन कौन सा है और कौन कौन सा डिफेक्ट होता है, कितने तरह का डिफेक्ट होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड में, ठीक है। तो अभी मैं तुरंत बता रही हूँ, इसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए कैमरा आपका सेट हो गया, एक सेकंड, ठीक है, दिख रहा है आपको। देखिए सबसे फर्स्ट जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, यहाँ पे हम लोग आयोनिक कंपाउंड का बात कर रहे हैं, तो केटायंस और एनायंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये आप देखिए, यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है इसका, ये देखिए। जनरली जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनता है उसमें आयंस इस तरह से अरेंज रहते हैं रेगुलर मैनर में, एक पॉजिटिव आयन फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसी तरह से ये पूरा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है बना हुआ है, ठीक है। अब ये डिफेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव आयन होना चाहिए था, एक्स माइनस होना चाहिए था, लेकिन इस साइड पे आपका इलेक्ट्रॉन है, फ्री अकेला इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो ये कैसे होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग अल्कली मेटल हैलाइड को हीट करते हैं अल्कली मेटल के वेपर में, ठीक है, तो क्या होता है कि जो मेटल जो है वेपर में जो प्रेजेंट है वो मेटल इसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। और जब मेटल सरफेस पे आता है तो यहाँ इस क्रिस्टल से आपका एनायन जो है वो यहाँ से निकल के और जाके मेटल से कंबाइन कर लेता है, ठीक है। तो ये जब एनायन यहाँ से निकलता है तो मेटल से कंबाइन कर रहा है, तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसका पोजीशन ले लेगा, जहाँ पे एनायन का पोजीशन था उस पोजीशन को कौन ऑक्यूपाई करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से या तो एक पोजीशन पे या एक से ज़्यादा पोजीशन भी हो सकता है, तो इस तरह से होता है कि मेटल का जो एटम है उसके सरफेस पे आया और फिर एनायन अपना पोजीशन छोड़ के और जाके मेटल से कंबाइन कर लिया, और मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इस क्रिस्टल में ट्रैप हो गया, एनायन का स्पेस वो कवर कर लिया, ठीक है। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर फाउंड इन क्रिस्टल्स विच आर लाइकली टू पजेज स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी जो होता है, इस ये जो होता है वैसे क्रिस्टल में होता है जिसमें स्कॉटकी डिफेक्ट भी होता है। पिछले क्लास में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, आप लिंक पे जाके देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। स्कॉटकी डिफेक्ट हम लोग कहते हैं कि जब वन पेयर, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन मिसिंग रहता है अपने प्लेस से, यानी जब क्रिएट होता है तो एक पेयर ऑफ होल क्रिएट होता है, तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे कि आप कितना टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हो। तो मेटल जो है, मेटालिक आयन और एक एनायन, ये दोनों एक साथ निकलता है, ठीक है। और जब भी होल क्रिएट होता है तो पेयर में होता है, तो उसको कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है।
तो ये मिडल एक्सिस डिफेक्ट ऐसे ही कंपाउंड में होता है जहाँ पे स्क्वाट की डिफेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, ये कंपाउंड जो है ये कलर शो करता है। ठीक है, कलर क्यों शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और अकेला है, पेयर में नहीं है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसको डायमैग्नेटिक कहते हैं, और अगर अनपेयर्ड है तो उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो ये किस तरह का होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अकेला है। अब क्या होगा, अगर कहीं से इस क्रिस्टल को एनर्जी मिली तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके और स्टेशनरी स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट में कुछ सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन रुकता है, और फिर वापस जो एनर्जी गेन किए रहता है उसको लूज करके फिर अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, जहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो जो एनर्जी लूज किया वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है, और उसके कारण ये कंपाउंड जो है कलर शो करता है। ठीक है, और ये जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है जिस सेंटर पे, उस सेंटर को कहते हैं एफ सेंटर और कलर सेंटर, एफ सेंटर और कलर सेंटर। आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज एफ सेंटर, ठीक है, तो आपको ये फिगर बनाना है, फिर उसके बारे में लिखना है। नीचे देखिए मैंने एफ सेंटर के बारे में लिखा है, एफ सेंटर, ठीक है, किसको कहते हैं, ये देखिए, द होल्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ से शायद आपको पूरा क्लियर दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है, द होल्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एफ सेंटर, ठीक है, और कलर सेंटर, इसको कलर सेंटर भी कहते हैं, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया, एफ सेंटर किसको कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है, यानी ये जो आपका है पोजीशन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग एफ सेंटर कहेंगे। तो एफ सेंटर को हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, एफ सेंटर द होल्स क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एफ सेंटर, ठीक है, और कलर सेंटर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एफ सेंटर। ठीक है, ये समझ में आ गया, एफ सेंटर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, सॉलिड्स कंटेनिंग एफ सेंटर। ठीक है, ऐसा सॉलिड जिसमें एफ सेंटर होता है वो क्या करता है, आर पारा मैग्नेटिक इन नेचर, पारा मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर अकेला है तो वो पारा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो आपको समझ में आ गया, आपको यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ सेंटर आपको पूछता है कि एफ सेंटर क्या होता है, किस तरह के डिफेक्ट में एफ सेंटर होता है, और ये कलर क्यों शो करता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका क्लियर हो गया। एफ सेंटर इसी को कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। सेकंड आपका है, थर्ड, तीन पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो सेकंड जो है ये आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए सेकंड जो है आपका, ये क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। ठीक है,
मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटायंस। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसका फिगर, ये जो फिगर मैंने बनाया है ये आपका क्रिस्टल का फिगर है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस प्रेजेंट है अपने प्लेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जेड एन ओ है, ठीक है, तो जेड एन ओ या सी यू टू ओ है, कोई भी कंपाउंड है, तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को लूज करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जेड एन ओ है, तो जेड एन ओ क्या करता है, ऑक्सीजन को लूज करता है, तो जब ऑक्सीजन लूज होगा तो क्या होगा, जेड एन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरिंग आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो मेटल आयन जो है जहाँ पे स्पेस खाली है जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, उस स्पेस में जाके ट्रैप्ड हो जाएगा मेटालिक आयन जो एक्सेस हो गया, ठीक है। और जब ये आपका मेटल जेड एन ओ जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो भी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो कंपाउंड नेचर में होता है वो स्टेबल होने के लिए उसका चार्ज स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक मेटल का आयन बढ़ गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा इस कंपाउंड पे और उस कंपाउंड की अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे जितना आपका मेटल पे चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो फिर आपका बढ़ा हुआ जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा और एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जेड एन ओ जो है वो ऑक्सीजन लूज किया, जेड एन प्लस में कन्वर्ट हुआ प्लस टू में, और वो जो है वो आपका आ जाएगा किसमें, एक्सेस हो गया मेटल, तो वो मेटल आ जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, और जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो भी इंटरस्टिशियल स्पेस में ट्रैप्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होगा उसमें क्या हो गया, मेटल का नंबर इंक्रीज कर गया, तो इसको कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटायंस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटायंस, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, थर्ड जो है ये क्या है, मेटल डिफिशियंसी, मेटल की डिफिशियंसी हो रही है ड्यू टू केटायन वैकेंसीज, ठीक है। यहाँ पे केटायन जो है वो मिसिंग है। अब ये कैसे होता है, देखिए ये फिगर जो यहाँ पे बना हुआ है, इस फिगर को देखिए, इस फिगर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका एक M प्लस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन M प्लस यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया यहाँ से M प्लस, और M प्लस टू जो है वो एक मेटल के प्लेस पे आ गया, जहाँ पे M प्लस होना चाहिए था वहाँ पे प्लस टू जिसका पावर है वो मेटल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है ये क्या हो गया, वैकेंट हो गया, और यहाँ पे चार्ज भी डेवलप नहीं होगा क्योंकि एक मेटल पे आपका प्लस वन चार्ज था जो रिलीज हुआ है, और जो मेटल आया है उस पर प्लस टू चार्ज है, ठीक है। तो ये मेंटेन हो गया, टोटल जितने, मान लीजिए आप में 1 2 3 4 5 6 सिक्स मेटल आयंस थे पहले, और 1 2 3 4 5 6 एनायंस भी थे तो न्यूट्रल था, जब एक चार्ज बढ़ गया तो मेटल कितना हो गया, टोटल 7 हो गया, ठीक है। तो 7 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस टू चार्ज हो गया, तो 1 ये 2 हो गया, 3 4 5 6 यानी 7 से 6 हो गया, तो एक जो है पोजीशन जो है वो क्या होगा, वैकेंट हो जाएगा, तब ये कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और इस डिफेक्ट को कहेंगे मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू केटायन वैकेंसीज,
और दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर जनरली सोन बाय कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स की जो वैलेंसी होती है वेरिएबल होती है, आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं जेड एन ओ का, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जेड एन ओ कैसा एलिमेंट है, जिंक कैसा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो जनरली मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू केटायन वैकेंसी जो है ऐसे कंपाउंड में शो होता है जिस कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका, तो ये आपका मेटल का जो डिफेक्ट था नॉन स्टैक्योमेट्रिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो नॉन स्टैक्योमेट्रिक में आप तीन था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटायंस, और मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू केटायन वैकेंसी। ये तीनों क्लियर हो गया आपका। अब जो थर्ड पॉइंट था, मैंने तीन में डिवाइड किया था इम्परफेक्शन को, एक स्टैक्योमेट्रिक, सेकेंड नॉन स्टैक्योमेट्रिक और थर्ड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो थर्ड में आ जाइए, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट किसको कहते हैं? देखिए, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, व्हाट इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट? डिफेक्ट्स इन द आयोनिक सॉलिड मे बी इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड किया जा रहा है बाय एडिंग इम्प्योरिटी आयंस, प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे क्रिएट कर रहे हैं? तो जो भी आपका क्रिस्टल है मेटल का, उसमें हम लोग इम्प्योरिटी डाल रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। और ये जो इम्प्योरिटी, जो फॉरेन पार्टिकल जो हम लोग डालते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज डोपिंग, तो आप क्लियरली इसको लिख लेंगे, समझ गए हैं। अब देखिए, इफ इम्प्योरिटी आयंस हैव डिफरेंट वैलेंस स्टेट, यहाँ से क्वेश्चन आपका अराइज होता है, इसको ध्यान से देखिए। इफ इम्प्योरिटी आयंस हैव डिफरेंट वैलेंस स्टेट, ठीक है, देन दैट ऑफ होस्ट आयंस, ठीक है, देन दैट ऑफ होस्ट आयंस वैकेंसीज आर क्रिएटेड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि NaCl का क्रिस्टल है, तो NaCl के क्रिस्टल में आप SR का कोई कंपाउंड डाल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, Na पे +1 चार्ज है और SR पे +2 चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, होल्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, इफ इम्प्योरिटी आयंस हैव डिफरेंट वैलेंस स्टेट, अगर डिफरेंट वैलेंस स्टेट का इम्प्योरिटी आयन है, तो देन दैट ऑफ द होस्ट आयंस, होस्ट आयंस से डिफरेंट उसका है, तो वैकेंसीज आर क्रिएटेड। ठीक है, वैकेंसी क्रिएट होगा, समझ में आया? तो इस तरह का जो डिफेक्ट होगा उसको कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखिए, देखिए, एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयोनिक सॉलिड व्हेन अ कैटायन ऑफ हायर वैलेंसी इज इट एडेड एज एन इम्प्योरिटी इन इट। ठीक है, कि एक ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में हम लोग जो इम्प्योरिटी जो डाल रहे हैं, जो डोपिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि जो डोपिंग में जो जा रहा है कैटायन, उसका वैलेंस स्टेट जो है वो होस्ट आयन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, क्या होगा? आप देखिए, मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल हम लोग लिए हैं, तो ये अरेंजमेंट जो NaCl का जो क्रिस्टल होगा, अरेंजमेंट Na+Cl- Na+Cl- देन Cl-, यहाँ Na+ होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका Na+ है। ठीक है,
यहाँ आपका Na प्लस है स्टार्टिंग में, जब आप इसमें इम्प्योरिटी नहीं डाले हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका Na प्लस है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस डोपिंग जो कर रहे हैं, डोपिंग किससे कर रहे हैं, स्ट्रॉन्सियम से, Sr+2 से, ठीक है। तो क्या करेगा ये Sr+2 जो है, जब इस क्रिस्टल में इन करेगा तो कहीं से आपका सोडियम आयन जो है, पॉजिटिव आयन जो है, वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और इसके प्लेस पे आ जाएगा Sr+2, Sr+2 आयन, ठीक है। तो अब देखिए, अगर Sr+2 आयन यहाँ पे आ गया तो फिर यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। कैसे, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, 7 आपके क्या हो गए, कैटायंस, और एनायंस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 7 कैटायंस और 6 एनायंस। तो क्या होगा, इस पे चार्ज क्रिएट होगा, और चार्ज क्रिएट होगा तो अनस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, तो जब स्ट्रॉन्सियम आयन डाले हैं तो आपको एक पॉजिटिव चार्ज को कम करना होगा इस कंपाउंड को न्यूट्रल करने के लिए। तो कहीं एक प्लेस से सोडियम जो है वो रिलीज हो जाएगा और ये प्लेस जो है वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि Na+ पे +1 चार्ज है, ठीक है, और Sr जो आप डाल रहे हैं इस पे +2 चार्ज है, यानी इससे इसका चार्ज डबल है। तो जितना Sr का आयन जो है इसमें इन करेगा उतना वैकेंसी क्रिएट होगा, ठीक है। अगर 2 Sr+2 आयन आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे तो 2 Na+ को रिप्लेस करना पड़ेगा, तब ये कंपाउंड जो है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे आपका गेस्ट आयन जो है उसका चार्ज डिफरेंट है होस्ट आयन से, तो फिर इसी तरह का केस होगा, ठीक है। और आपका ये डिफेक्ट, ये ऐसा चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है, एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड, वैकेंसी कैसे इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है, इफ एन आयनिक सॉलिड व्हेन अ कैटायन ऑफ हायर वैलेंसी, कैटायन ऑफ हायर वैलेंसी इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी इन इट। तो कैसे यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया, आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी कंपाउंड दे सकता है और यहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटी डाल सकते हैं, उसका चार्ज ग्रेटर देन हो सकता है होस्ट आयन से, या लेसर देन हो सकता है होस्ट आयन से। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, अगर आप ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताया ये अगर आपका क्लियर हो गया तो, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये आपका डिफेक्ट था, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठीक है, सारा कुछ क्लियर है, आप इसको देख लीजिए। ये आपको मैंने फर्स्ट में बताया ये पोर्शन, और फिर सेकेंड आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड को हम लोगों ने 3 पार्ट में कवर किया, स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है। आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, वीडियो देख के एक बार में नहीं समझ में आया तो उसको फिर से रिपीट कीजिए, फिर से देखिए, थोड़ा बुक का हेल्प लीजिए, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, ठीक है। कितने चार्ज डेवलप होते हैं आयंस पे, ये सब आपको जानना होगा, 11th का बेस आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको ज़रूर उसका एक्सप्लानेशन दूंगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सॉलिड स्टेट में ही कुछ कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी बचा हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको लेके आती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो, आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए,
बेल बटन दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके, और शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।